शास्त्र बताया गया कैसे ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है बहुत ही विशेष लोग इनकी पूजा करेंगे, उनकी बहुत तीव्र बुद्धि है। जिनकी बुद्धि कम है वो इस सुंदर अवतार की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो हरिनाम से चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कितना अद्भुत है। लिख रहे हैं कि कोई अगर करोड़ बोलते हैं कोई अगर, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, ये श्लोक आता है वेदों में आता है श्लोक, इसमें लिखा गया है गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। अगर आप किसी को 1 करोड़ गाय का दान देते, कितना, एक गाय नहीं 1 करोड़ गाय खगस्य, समझ रहे हैं? तो गरुड़ पुराण से बता रहे शायद, उसमें भगवान गरुड़ जी बोल रहे हैं, गरुड़ गो कोटि दानम ग्रहणे, कोई ग्रहण में कोटि दान भी देता है, एक गाय दान देने से कितना लाभ होता है, यहाँ बोले करोड़ दान भी देगा। और प्रयाग गंगोदक कल्पवास, और कोई प्रयागराम में एक कल्प कितना साल होता है, 432 करोड़ मैजिक का एक दिन, तो 432 करोड़ साल भी रहेगा वो गंगा में, प्रयाग में गंगा स्नान करेगा। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दान, और यज्ञ में सोना दान करेगा, तो कितना दान करेगा सोना, मेरु समझते हैं, मेरु पर्वत है, आजकल तो लोग सोना का अंश भी नहीं दान कर पाते, मेरु पर्वत का सोना दान करेगा। गोविंद कीर्ते न समम समार, लेकिन भगवान की गोविंद की कीर्ति न समम सताम स, उसका 100% सतम स, उसका एक भाग भी नहीं हो पाएगा। को बोलेगा गोविंदा कृष्णा, अगर कोई एक बार भी कृष्ण गोविंद का स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, उससे जितना लाभ होता है करोड़ों गाय के दान देने से नहीं होता, कल्प वर्ष तक प्रयाग में वास करने से नहीं होगा, और 2-4 किलो नहीं, समझ रहे, कोई गोवर्धन नहीं, भाई मेरु की हाइट है कितनी, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन समझते हैं, 13 लाख किलोमीटर, और उसकी चौड़ाई भी उतनी, समझ रहे, सोच लीजिए कितना वेट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे। तो इतनी लंबी चौड़ाई वाला एक पर्वत, उतना भी दान नहीं, उतना नाम है, इतना बोलेंगे हरे कृष्णा, एक बार हरे कृष्णा जितना लाभ मिलता है, क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी दान है पुण्य है आपको भौतिक स्तर पे रखते हैं, शरीर का ही सुख दे सकते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, भगवान का नाम चिन्मय है आपको दिव्य स्तर पे दे जाते हैं। बाकी इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, और शास्त्र में गया है परम पुराण में कि एक तो नाम अपराध है, तो कोई बोलता है पता है हरे कृष्णा करोगे तो तुम्हें हजारों गाय दान देने का फल मिलेगा, आप तो अपराध करें, करोड़ों गाय दान देने से भी आप पुण्य ही होगा, आप भौतिक स्तर पे रह सकते, आध्यात्मिक स्तर के लिए अनुकूल बन सकते, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे आ ही, लेकिन भगवान का नाम आपको आध्यात्मिक स्तर पे ले, भगवत धाम ले जाता है, इसलिए भगवान का इस दिव्य नाम देने के लिए कौन आए जगत में, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये कहा है ये भगवान का नाम जो है भोपाल बोलते हैं आपको स्टे हाई फॉर एवर, आपकी चेतना को विकसित कर देता है, आपकी चेतना को चिन्मय स्तर तक ले जाता है, और इसमें इतनी शक्ति है कि आप फिर शरीर के दुखों से आपको प्रभाव नहीं पड़ता, आपका भगवान से रिश्ता हो जाता है, उनके प्रति प्रेम हो जाता है स्वाभाविक अपने आप। इसलिए आइए चैतन्य महाप्रभु का सुंदर जो उपहार है हरि नाम संकीर्तन गोलोक के प्रेम धन, इसको ध्यान पूर्वक ले, कोई भी गिफ्ट कोई देता है तो उसको ध्यान से, महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से दिव्य उपहार
आहार लेके आए हैं उसको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जिस प्रकार से कोई अगर आपको बहुत विशेष आपके लिए संदेश बना के लाए, एकदम समझ रहे हैं, कोई स्पेशल गाय का दूध जो एकदम दुर्लभ है, मोदी जी जब राम जी का इंस्टॉलेशन करने वाले थे तो उसमें उन्होंने कोई स्पेशल गाय का दूध दिया, समझ रहे, तो वैसे मान लीजिए उस गाय का दूध अगर आपको कोई ला के दे, उससे बना हुआ आपको पेड़ा खिलाए, आपको 5 पीस दे दो, हम आराम से खाएंगे, सब फेंक देंगे, समझ रहे। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक से प्रेम करने के आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, इसे ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। एक एक नाम को हड़बड़ नहीं करने की जरूरत नहीं। बहुत बार लोग बस माला कंप्लीट करने की स्पीड में कि 16 माला कंप्लीट करना, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास समय ही समय, हमें भगवान को समय देने में क्या नुकसान, हमें उनके पास समय है कि नहीं पता नहीं, हमारे पास तो बहुत समय, हर जीवात्मा को यही सोचना चाहिए। बहुत लोग सोचते हमारे पास समय नहीं, तुम बड़ा प्रेसिडेंट हो गया है, अरे प्रेसिडेंट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट भगवान श्री कृष्ण, वो आपको समय दे रहे और आप बोलते हैं हमारे पास क्या नहीं है समय नहीं। अरे मूर्ख, जो भगवान को समय नहीं देगा उसके जीवन में कभी समय नहीं होगा, माया उसको हमेशा समय उसका लेके रखेगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं, अगर मान लीजिए मोदी जी आपसे मिलने आगे, बोले बिजी हो, क्या हमें पास समय कहा मोदी से मिलने, अरे मूर्ख, मोदी तुमसे मिलना चाह रहे, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, समझ रहे। लेकिन कोई मूर्ख बोलेगा नहीं हमारे पास समय नहीं, तो फिर मूर्ख बनो। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें समय दे रहे, हमें अपना कीमती समय दे रहे, हमसे बात करने के लिए रेडी है, तो प्रयास करना चाहिए हम ध्यान पूर्वक एक एक मंत्र को वास्वादन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये चीज में सब कुछ है, ये नाम आपको सब कुछ दिला देगा, कोई भय करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान के नाम अद्भुत है। आइए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद देते हुए इन नामों का आस्वादन करें। हम लोग जैसे कंगालों को लॉटरी लगा दी है महाप्रभु ने, समझ रहे हैं, हम उनका नाम लेते हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त दिव्य नाम का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करेंगे जो दया के सागर है।